वर्धा निवासी एक महिला अपनी बेटी के साथ ऑटो से रिश्तेदार के घर जाने के लिए हुड़केश्वर थाना क्षेत्र के मार्गी नगर पहुंची। ऑटो से नीचे उतरते ही जब उसने किराया देने के लिए अपना पर्स निकाला तो उसमें रिश्तेदार के रखे सोने के आभूषण उसे गायब दिखे। चोर ने नजर चुरा कर ऑटो में ही उसके गहने उड़ा लेते। इसकी शिकायत महिला ने पुलिस से की है। इसी शिकायत पर हुड़केश्वर पुलिस ने कनान से एक महिला चोर को गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार फिरियादी उर्मिला अशोक भुजपड़े 29 अगस्त के दोपहर करीब 3:30 के दरमियान उर्मिला अपनी बेटी के साथ छत्रपति नगर चौक पर बस से पहुंची थी और यहां से अपनी मार्गी नगर स्थित रिश्तेदार के यहां आने के लिए एक ऑटो में सवार हुई। इस ऑटो में पहले से ही 40 से 50 आयु वर्ग की एक महिला बैठी हुई थी। यह महिला मानीवाड़ा चौक पर ऑटो से उतर गई। मालकी चौक पर पहुंचने पर महिला भी अपने बेटी के साथ उतरी और जब ऑटो का किराया देने के लिए अपना पर्स निकाला तो उसमें रखे सोने के आभूषण जिनकी कुल कीमत करीब 2,75,000 रुपए बताई जा रही है वह गायब दिखे। नजर चुरा कर ऑटो में ही बैठी महिला ने उसके पर्स से इन गहनों को चोरी किया था। फिरियादी ने इस बात की शिकायत हुड़केश्वर थाना में की है। मामले की जांच करते हुए पुलिस ने इस रास्ते की सभी सीसीटीवी फुटेज चेक किए, उसमें एक महिला दिखाई दी। वो छत्रपति चौक से मालकी नगर, फिर मालकी नगर से छत्रपति चौक और वहां से ऑटोमोटिव चौक से कनान जाते दिखाई दी है। पुलिस ने जाल बिछाकर कनान की टोली से आरोपी सविता सोपरा शेंडे को गिरफ्तार किया है। आरोपी से चुराए गए आभूषणों में से 5 सोने का मंगलसूत्र, ऐसे कुल 2,75,000 रुपए का माल जब्त किया है और 5 ग्राम की अंगूठी मिलने की है। आगे की जांच हुड़केश्वर पुलिस करी है। 28 ऑगस्टला आमच्याकडे एक तक्रार प्राप्त झाली होती। महिला आहे उर्मिला भुजबळे, राहणाऱ्या वर्ध्याच्या आहेत त्या। त्यांच्याकडे त्यांच्या वहिनीचे दागिने होते। एक 5 तोळ्याचा हार होता, मंगळसूत्र कम हार होता आणि एक अंगठी होती। तर ते देण्यासाठी त्या कोरडीला निघाल्या होत्या, छत्रपती चौकात उतरल्या त्या। तिथून मग त्या पुढे माळगीनगर आल्या, माळगीनगरहून त्या पुढे कोराडी जाणार होत्या। तर माळगीनगर छत्रपती ते माळगीनगर दौऱ्याच्या दरम्यानमध्ये त्यांच्या ॲटोमध्ये एक लेडीज बसली असं त्यांचं म्हणणं होतं। त्यानंतर त्या माळगीनगर चौकात उतरल्यावर त्यांनी पैसे देण्यासाठी त्यांची पर्स काढली आणि ॲटोवाल्याला पैसे देण्यासाठी त्यांनी ती उघडली। तर त्याच्यामध्ये त्याच्या वहिनीचे जे दागिने होते, अंगठी होती एक 5 ग्रॅमची आणि 5 तोळ्याचा जो मंगळसूत्र हार होता, तर तो तिला दिसून आला नाही। म्हणून त्यांनी ताबडतोब पोलीस स्टेशनला येऊन तक्रार दिली। आम्ही तात्काळ एक टीम तयार करून त्या महिलेचा शोध घेतला। संपूर्ण फुटेज चेक केले। संपूर्ण फुटेज चेक करता करता सदरची जी आरोपित महिला आहे किंवा ती संशयित महिला आहे, तर ती माळगीनगरहून परत मानेवाडा चौक छत्रपती, छत्रपतीहून परत ती बैंद्यनाथ चौक, बैंद्यनाथ चौकहून ऑटोमोटिव्ह चौक आणि तिथून पुढे ती कन्नानच्या दिशेने रवाना झालेली होती असं त्या सी सी टी व्ही फुटेजमध्ये दिसून आलं। कंटिन्युअस फुटेज आणि ती सी सी टी व्हीच्या माध्यमातून त्याचा पाठलाग केला असता ती कन्नान येथे उतरल्याचे आम्हाला निष्पन्न झाले। त्यानंतर मग आम्ही व्हेरीफाय केलं तर ती कन्नानमध्ये टोली आहे, तर त्या टोलीमध्ये ती महिला असल्याचं आम्हाला समजलं। त्यानंतर कालच्या दिवशी सापळा रचून आम्ही त्या महिलेला ताब्यात घेतलं आमच्या टीमने आणि तिला आणलं। तर आणि तिला आम्ही आता अटक केलेली आहे। तिच्याकडून आत्तापर्यंत जो 5 तोळ्याचा मंगळसूत्राचा हार। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट।